पैडमैन, पैडमैन में आता आर बाल की। अब इसको देखो कैसे याद करते हैं, इधर देखो भाई, पैड बालिका यूज करती है, हो गया ना याद, पैड कौन यूज करती है, बालिका, फटाफट याद हो जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं विलेज रॉक स्टार, जो अभी भी मैंने आपको बताया, विलेज रॉक स्टार, तो आपका हो जाएगा रीमा दास, रीमा दास। देखो भूल भी जाओ तो वहां एग्जाम में कैसे याद करना है, बड़ा इजी तरीका है। विलेज के सब रॉक स्टार है जो सदा मारते रहते एक दूसरे को, गांव में लड़ाई करते ना, उल्टा पढ़ लो ना, सदा को उल्टा क्या हो जाएगा, दास, और मारी को क्या होता है, रीमा। अरे विलेज के सब रॉक स्टार होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, और सदा एक दूसरे को मारते रहते हैं, तो रीमा दास। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, न्यूटन, जो इस बार ऑस्कर में गई थी परंतु ऑस्कर जीतना भाई, ध्यान रखना फोर्थ कमिंग ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से कौन सी हुई है, विलेज रॉक स्टार, और ये असमिया मूवी है, असम लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में है, असमिया मूवी। न्यूटन की बातचीत आती है तो छत्तीसगढ़ की राजनीति के ऊपर ये एक मूवी बनाई गई थी, जिसमें राजकुमार राव ने एक बहुत अच्छा प्ले करा है, आपके वीवीपीएट, आपका एक इलेक्शन कमिश्नर अधिकारी का, है ना। न्यूटन के आते हैं मिस्टर अमित, मिस्टर अमित, आपको अमित ही याद करना है, सरनेम नहीं करना है। देखो कैसे याद करते हैं, इसका भी एक ट्रिक होता है भाई, न्यू नोटन, न्यूटन को बोलेंगे नोटन मीट लेके आया, क्या लेके आया, मीट, एमईटी। किसी ने कहा भाई कितने दिन मीट, कितना टन मीट लेके आना है, मैंने कहा नो टन, तो न्यूटन मीट, मीट से क्या हो जाएगा, अमित, ठीक है। और ऐसे ही फोर्थ नंबर पे कर ले बेटा, ठीक है, न्यूटन के बाद वी कैन से मॉम। अब सबकी मॉम क्या होती है बेटा, वीर, मैंने उल्टा लिखा, देखो वीर, और वीर को उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा भाई, किसकी माँ वीर नहीं है, पापा भी तो डरते उससे, तो सबकी मम क्या होती है, वीर, तो वीर से उल्टा क्या हो जाएगा, रवि। ये तीन चार मूवी मैंने इसलिए लिखाई है कि सबसे ज्यादा चर्चा में, बाकी जैसे कुछ मूवियां आपको पता हो तो संदीप, जो हमारे बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे, है ना, उसके ऊपर मूवी अभी बनी है, संदीप जी के ऊपर, क्या नाम है बेटा, सूरमा, बिल्कुल सही है, ये ऐसी मूवी आती है। या एक स्पाई की कहानी थी, राजी, राजी करके भी एक मूवी आई थी, जिसमें हीरोइन का रोल किसने प्ले करा था, किसने, हाँ वो आपने अच्छी तरह से देखी है, जिसमें कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, रियल लाइफ स्टोरी है, तो उसको एक बार, उसके भी लगते हैं ऐसे क्वेश्चन लगते हैं, तो अपन ने तकरीबन 50 मूवियों की एक लिस्ट बना रखी है, जो अगली बार मैं आपको प्रिंट दे दूंगा, ठीक है, और उसमें से मेन मेन करना है, जो मूवियां बीत गई उसको नहीं करना है। जैसे मैं आपसे अभी पूछ लूं, सिंपल सा है कि प्रियंका चोपड़ा ने रोल प्ले करा था मेरी कॉम मूवी में, उमंग दास उसके कौन थे बेटा, डायरेक्टर उमंग कुमार, तो उमंग कुमार को वो मूवी अब नहीं आएगी, वो गई, अब तो जो चल रही है उसका नाम आएगा। तो हु इज न्यूली अपॉइंटेड एज द न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मेरा क्वेश्चन है, लगने के पूरे चांसेस है, देखिएगा, बिल्कुल सही है, यस तुषार इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है बच्चा आपका। इसकी ट्रिक क्या होती है, वो तुषार कपूर जो जितेंद्र का बेटा है, जो अधिकतर गोलमाल मूवी में कुछ नहीं बोलता है, उसको सॉलिसिटर जनरल बना दिया, जैसे रजनीकांत को क्या बनाया, बीएसएफ का अधिकारी, वैसे आजकल तुषार कपूर को क्या बना दिया, सॉलिसिटर जनरल। और भी भूल जाओ तो इसका एक और इजी तरीका होता है, पहले कौन थे बेटा, रंजीत कुमार, और रंजीत कुमार की जगह ये एक साल से पोस्ट क्या थी, वेकेंट, और अल्टीमेटली किसको बनाया गया बेटा, तुषार, तुषार मेहता, राइट है बेटा, तुषार मेहता, तुषार मेहता सर को बनाया। अब तुषार मेहता सर देखो कैसे याद करते हैं, आपके लिए वो सॉलिस्टर है, मेरे लिए वो सॉलिड, सॉलिड शायर है यार, तू शायर है। अब मैं यह खा जाऊंगा तो क्या बच जाएगा, मैंने कहा तू सॉलिड शायर है यार, तो तू शार हो गया ना। और वैसे तुषार कपूर से जो मूवियां देखते हैं उनको और जल्दी याद हो जाएगा, अरे पूरी पिक्चर में चुप रहता है लेकिन फिर भी सॉलिसिटर जनरल बन गया, तो इसमें तुषार मेहता सर आएंगे। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रंजन जी गोगोई, असम से बिलोंग करते हैं, 46 नंबर के बेटा, और किसको रिप्लेस करा, दीपक जी मिश्रा को। हालांकि आपके सामने काफी चुनौतियां हैं, अभी काफी कुछ चुनौतियां हैं, आपका कार्यकाल 1 साल और 4 महीने का है, कितने का है, 1 साल 4 महीने, आपने 3 अक्टूबर 2018 को ज्वाइन करा है, कब करा है, 3 अक्टूबर 2018 के दिन, ऑन विच डे सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, लगने लायक क्वेश्चन है। अभी देखिएगा पीएम मोदी, हमारी एक बहुत बड़ी राजस्थान की सीएम की यात्रा का अंत हुआ था अजमेर में,
जिसको आप किस नाम से जानते, सूरज चलाया था ना उसके अंदर, हाँ उसके अंदर कौन आए थे, पीएम मोदी, मोदी आए थे। तो मैडम ने वहां पे कहा था कि हमने तीन राज्यों में अभी 9 अगस्त के दिन अवकाश घोषित करा था, और ये अवकाश कहलाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, यानी वो व्यक्ति जो बिखरे हुए हैं, और बिखरे हुए में जो दलित लोग हैं उनके लिए जो अवकाश घोषित होता है वो किस दिन, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 अगस्त के दिन। देखिएगा इस बार राजस्थान गवर्नमेंट ने दो बड़े अवकाश घोषित करे, एक तो राजकीय अवकाश था वो तो था आखा तीज का, जिसको आप परशुराम जयंती के नाम से जानते हैं, भगवान परशुराम जी उनकी जयंती के दिन इस बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवकाश घोषित करा था। और एक आदिवासियों के लिए जो है वो कौन सा डे घोषित कर रखा बेटा, 9 अगस्त, ये 9 अगस्त के दिन जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था, और ऐसा सेलिब्रेट करने वाला पहला राज्य कौन बना, राजस्थान, कौन सा बना था, राजस्थान। इंडियाज फर्स्ट क्रूज सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू गोवा अभी 1 अक्टूबर के दिन, जिस दिन ओल्डर डे था, जिस दिन क्या था, ओल्डर डे, उस दिन मुंबई से गोवा और गोवा से मुंबई के लिए एक क्रूज को रवाना किया गया, पहली बार हुआ है भारत में, और इस क्रूज का नाम रखा गया अंगरिया, क्या रखा गया, अंगरिया। इसमें यदि कोई भी टूरिस्ट बैठ के जाता है, कोई भी विजिटर बैठ के जाता है, तो उसका किराया रखा गया 7,000 रुपया, कितना रखा गया 7,000, 7,000 में आप इस क्रू का आनंद ले सकते हैं। तो इसको अंगरिया कैसे याद होगा, एग्जाम में यदि आप भूल भी जाओ तो, अरे भाई गाड़ी में बैठने से पहले कहते ना ड्राइवर, कहते ना भाई अपने हाथ पैर मुंह कोई भी अंग बाहर ना निकाले, तो क्रूज में बैठने से पहले वो आपसे कहेगा भैया अंग को बाहर ना निकाले, तो अंग से क्या बन जाएगा, अंगरिया, जो आपका पार्ट होता ना बॉडी का, इसको अंग बोलते हैं, जिसको आप ऑर्गन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गन, तो ऑर्गन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग, अंग से क्या बन जाएगा, अंगरिया। एक किताब है बेटा जिसका नाम है स्टेंडिपिटी एंड द अमेरिकन ड्रीम, यूनाइटेड स्टेट फॉरेन पॉलिसी इन ए चेंजिंग, और ये लिखिए बेटा मनन जी द्विवेदी, मनन द्विवेदी, लगने लगे लाइक क्वेश्चन है, देखिएगा मनन द्विवेदी कैसे याद होगा। इस किताब में सर ने काफी कुछ लिखा है कि अमेरिका का क्या सपना है क्या नहीं है, और ब्रेक्जिट के बारे में लिखा गया, किसके बारे में रखा गया बेटा, ब्रेक्जिट, जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, अमेरिका के अंदर लगा गया एक बहुत बड़ा स्टेचू है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जो अमेरिका को गिफ्ट किसने करा था बेटा, फ्रांस ने, किसने गिफ्ट करा था, फ्रांस ने, और अब इसका रिकॉर्ड भी इंडिया तोड़ रहा है 30 अक्टूबर के दिन, क्योंकि 30 अक्टूबर के दिन भारत एक इतिहास रचेगा, और द मैन ऑफ यूनिटी के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके स्टेचू को इनोग्रेट कर रहे हैं पीएम मोदी, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेचू होगा, विश्व का क्या होगा, सबसे बड़ा स्टेचू, और 30 अक्टूबर के दिन भारत उसका इतिहास रच देगा। अब हमने इसको कैसे याद करा, देखो इस किताब को कैसे याद करते हैं, इस किताब का एक रहा, देखो अमेरिका जाने का आपका सबका मन करता है नहीं करता, सपना है या नहीं है, मन से बनेगा मनन, सपने से बनेगा ड्रीम, और नेचुरल है आपका मन, मन से मन मनन, ड्रीम से बनेगा सपना, और अमेरिका से क्या बनेगा, अमेरिकन। अब मैं इस किताब को यदि मेरे क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे सोल्व करता हूं, मैं पूरा पढ़ने पे उसको देखूंगा, क्या अमेरिकन ड्रीम आ रहा है, यस आ रहा है, यूएस आ रहा है, आ रहा है, और फॉरेन पॉलिसी इन चेंजिंग, सही बात है। अब इस किताब को अपन डिटेल से लेते हैं, देखो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी, वो प्रोटेक्शन ट्रेड के ऊपर आ चुका है, जो कि पहले फ्री ट्रेड के ऊपर था। आपको पता हो तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहां के 45वें प्रेसिडेंट है, सबसे ओल्डेस्ट है, इन्होंने कहा जब शपथ ली थी 20 जनवरी के दिन वॉशिंगटन डीसी में, तब इन्होंने कहा था वी अमेरिकन हायर अमेरिकन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके बाद जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होना, ईरान परमाणु समझौते से बाहर होना, COP 21 से बाहर होना, UNHCR से बाहर होना, यूनेस्को से बाहर होना, तो इनकी ये चीज बताती है कि आप व्यापार को सीमित कर दो, प्रोटेक्ट कर दो, आप फ्री ट्रेड ना लो, तो वैसे याद हो जाएगा। देखो फॉरेन पॉलिसी इन चेंजिंग, भैया हम जाके वहां ये चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई या नहीं हुई, वहां जाने का हमारा मन करता है, वहां जाने का हमारा सपना है। अभी परसों के दिन ही शशि थरूर जी ने एक अच्छी किताब लिखी है, जिसमें कमेंट किया गया हमारे पीएम साहब को, हालांकि इसका नाम बड़ा है, देखते हैं आप में से कौन पढ़ सकता है, प्रोनंसिएशन करना प्लीज। फ्लोसिचर फ्लोफिकेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, और इसको ऑस्कर डिक्शनरी में से जब मैंने लिया तो ये पाया गया द वर्ल्ड इज नाउन एंड मीन्स द एक्शन और हैबिट
ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग एज वर्थलेस। आप करना कुछ और चाहते हैं और रिजल्ट क्या आ जाता है, बिल्कुल जीरो। नेचुरल है, आपको दिख रहा होगा, जैसा कि हमारे पीएम साहब है उनका स्टेच्यू दिखा रखा है। एक्चुअली द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर एंड नरेंद्र मोदी एंड इज इंडिया बाय शशि थरूर, इस किताब का नाम उन्होंने उस नाम से रखा है। तो कल को यदि क्वेश्चन आ जाए पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप समझ जाना शशि थरूर। शशि थरूर आपको पता हो तो इससे पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वाई आई एम ए हिंदू, और उसके बाद इनकी अभी नई किताब जो परसों आई है उसका नाम क्या है बेटा, पैराडॉक्सियल पीएम। और उसके अलावा सबसे बड़ा नाम आ जाए, सर का क्या ट्रिक है, जिसका सबसे बड़ा नाम आ जाए ना शशि थरूर करके आ जाना, बिल्कुल सही जाएगा। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। अब चलते कुछ आर्टिकल की तरफ, है ना, देखते हैं आर्टिकल क्या क्या है। इस बार मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ अच्छे आर्टिकल सिखाऊं। कुछ आर्टिकल जो मैंने बनाया बेटा, इसका सोर्स है द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, वहां से मैंने इसको बनाया। देखिएगा, अभी फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन, जो पिछला फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे गया था और सैटरडे को सर कहाँ आ गए थे, अजमेर। उससे पहले रशिया के व्लादिमीर पुतिन सर कहाँ आए थे, दिल्ली आए थे। दिल्ली आए थे तो एक बहुत बड़ी डील की बात चल रही थी, और इस डील से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमें धमकाया था, अमेरिका के प्रेसिडेंट सर ने। उन्होंने कहा काट्सा एक्ट के तहत भारत को जवाब देना क्या पड़ जाएगा, भारी। काट्सा एक एक्ट होता है बेटा, जिसमें ईरान, जो मैंने आपके साथ में बताया था, ईरान, उत्तरी कोरिया और रशिया, इनसे आप कोई सा भी डील करते हो तो अमेरिका एक एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, कर सकता है। काट्सा एक्ट के तहत उन्होंने हमको यह धमकी दी थी कि आप रशिया से S-400, जो कि आपकी एक ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम, एक मिसाइल है जिसकी आप डील कर रहे हो 5 S-400 लेने की, यदि आप ये लेते हो तो अमेरिका आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगा। लेकिन सर ने बगैर किसी सोचे समझे रशिया के व्लादिमीर पुतिन सर से S-400 इस मिसाइल की MOU के ऊपर क्या कर दिया, साइन कर दिया। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। देखिएगा, ये सरफेस टू एयर एक मिसाइल है जो कि फाइटर के ऊपर सीधा का सीधा निशाना लगाती है। एशिया कॉन्टिनेंट में केवल चाइना के बाद भारत ही दूसरा ऐसा देश है जिसके साथ ये डील हुई है। चाइना के पास तो आ चुकी है, लेकिन भारत के पास अभी तक नहीं आई है, लेकिन डील हो चुकी है 5 की। और ये 5 की डील जो हुई है वो $5.43 बिलियन में हुई है, जिसको मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूं तो 40,000 करोड़ रुपया आता है। कितना आता है, 40,000। देखते हैं इनको डिटेल से, देखते हैं। देखिएगा, अभी हाल ही के अंदर यूएस के कहने के बावजूद भारत ने इस फ्राइडे को, जो पिछला फ्राइडे गया था, यानी तारीख 5 तारीख के दिन आपने 5.43 बिलियन, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूं तो कितना होता बेटा, 40,000 करोड़, इसकी डील करी है। ये 5 एडवांस S-400 जो आपकी ट्रुनमैफ सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके रिगार्डिंग थी, जो हमने किससे करी है बेटा, रशिया से करी है। S-400 की डील जो हमने रशिया से करी है, वो वहां के प्रेसिडेंट साहब कहां आए थे बेटा, इंडिया, न्यू दिल्ली, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन सर। पुतिन सर 4 टाइम अपॉइंट हुए यहां पे, कितने टाइम अपॉइंट हुए, 4th बार। S-400 एक अपग्रेडेड है, वर्जन है, जो कि किसका है बेटा, S-300, यानी इससे पहले S-300 नाम से ये चलता था, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया बेटा, S-400। ये मिसाइल सिस्टम जो है, इसकी कंपनी का नाम आएगा, किसके द्वारा बनाया गया, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, ऑलमेज एंटी। किसने कर रखा है, ऑलमेज एंटी कंपनी ने, और 2007 से ये अपनी सर्विस दे रहा है, किसको, रशिया को। अब देखो, ये ऑलमेज एंटी याद नहीं होगा तो हमने इसको ट्रिकी बना लिया। ट्रिकी कैसे करा, इधर देखिएगा, मैंने एस लिखा, 400 लिखा। एस शब्द में यदि आप रशिया बोलते हो तो सह ज्यादा सुनाई देता है, तो पहला तो आपका डाउट क्लियर हो गया, रूस। अब 400 है, यदि मैं इसके पीछे 2 बिंदी और लगा दूं तो कितने बन गए, 40,000 करोड़। ये एस आपको 5 की तरह दिखता है तो कितने लेंगे बेटा, 5। ये एस जब यहां 5 की तरह है, ये 4 है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 5, 4 पीछे 3 ही तो लगाना है, और ये क्या हो जाएगा, डॉलर, और उसके बाद में क्या बन जाएगा बेटा, बिलियंस। एम आई राइट रॉन्ग, केवल सब कुछ इसी से ही तो याद हो रहा है। ये आप देख रहे हो सर बगैर बोले कैसे बता रहे, तो सर ने तो कल दिमाग में एक ही बिठा रखा है S-400, उससे सर को सब याद होता है। रशिया से आ रहा है ना, से रूस कर दिया। एस 5 की तरह दिखता है तो डील कितने की हुई, 5। 400 के पीछे यदि मैं डबल बिंदी लगा देता हूं तो कितना बन जाता है, 40,000 करोड़। 5, 4 तो है, पीछे क्या लगा दो, 3।
तो 5.43 डॉलर बिलियंस के अंदर। अब मैं कहता हूं 400 से ये अपग्रेड है तो इसका पुराना 300 ही होगा, तो अगला क्या जाएगा पुराना में एस 300। अब बातचीत आती है कि भैया कंपनी का क्या नाम है जो इसको बनाती है। अब वो आपके लिए ALMZ और उसके बाद में मैं कहता हूं तो ANTY, लेकिन सर का प्रोनाउंसिएशन देखना क्या है अमेजन। अमेजन पे आंटी ने मेरे लिए रशिया की S405 खरीदी। मैं बच्चा हूं ना छोटा, मैंने कहा मम्मी गाड़ी लूंगा आंटी को, और आंटी ने मेरे लिए क्या खरीद लिया बेटा अमेजन से, अमेजन की डील चल रही ना, आंटी ने क्या खरीद लिया मेरे लिए S400 और कितनी खरीदी 5, और खर्चा कितना करा 40,000 करोड़। ये वहां एग्जाम में तो लिखा हुआ वही आएगा बेटा, लेकिन अपन पढ़ेंगे किसे अमेजन, जल्दी याद होता अमेजन से, तो अमेजन से डील करी हमारी, ठीक है। तो अमेजन से क्या बन जाएगा ऑलमेजेड, और आंटी से क्या बन जाएगा एंटी, क्या बन जाएगा एंटी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे एयरफोर्स चीफ जो अभी मैंने बताया था धन, और धन से क्या बनेगा BS धनोवा, इन्होंने S-400 के लिए कहा था बूस्टर शूट इन द इंडियन एयरफोर्स आर्म। इंडियन एयरफोर्स आर्म के लिए एक बहुत बड़ा बढ़िया बूस्टर है बेटा। बूस्टर क्यों है, क्योंकि जब भारत जैसे हमारे देश के अड़ोस पड़ोस में हमारे दो बड़े मित्र हमें डरा रहे हो, हमारे जो जो पड़ोसी देश वो हमें डराते हैं पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान के लिए बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के पास 20 से ज्यादा फाइटर स्क्वाड्रॉन्स है, जिसमें से अपग्रेड कैटेगरी का F-16 और इंक्लूडिंग है बेटा JS-17 जो उसको किसने दिया बेटा चाइना ने, ये लार्ज नंबर में है। चाइना जिसके पास 1700 फाइटर है और उसमें से 800 उसके पास 4G है, 4G यानी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के फाइटर है। जब इतने फाइटर एक साथ कल को खुदा ना खास्ता कोई हो जाए और अटैक करे तो कोई ना कोई इसकी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल तो होनी चाहिए, और एटलीस्ट एक से क्या काम चलेगा, जब अगल बगल में बैठे तो एटलीस्ट 5 तो चाहिए ना। तो हमने डील कितने की करी है बेटा 5 की डील करी है, डाउट क्लियर और नॉट क्लियर। इसलिए डील किससे करी हमने रशिया से, इसमें इसकी कंपनी का आने का पूरा चांसेस है। मेरे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो S-400 दिमाग में बिठा लो, एस से रशिया, 400 से 400 अपग्रेड 300, 400 के पीछे डबल बिंदी लगाऊंगा तो 40,000 करोड़, एस 5 की तरह नजर आता है तो 5, और डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो 5.43, और उसके अलावा रशिया और कंपनी का नाम अमेजन आंटी। अपने लिए कंपनी का नाम क्या होगा अमेजन आंटी, और वैसे क्या आएगा बेटा ऑलमेज एंटी। ये डील हमने तब करी जब अमेरिकन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने इंडिया को ट्रेडिंग करने से बिल्कुल धमकी दी थी रशिया से, और उस एक्ट का नाम है बेटा CAATS, फुल फॉर्म आ सकती है अंडरलाइन कर लें काट्सा। काट्सा की फुल फॉर्म होती है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू द सैंक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम CAATSA कहते हैं। ये इम्पोज करता है बेटा ऑफ एनी कंट्री, इनमें से किसी भी कंट्री के खिलाफ यदि आप करते हो ट्रांजेक्शन लाइक द ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, तो अमेरिका आपके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। चाइना जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इन्होंने फर्स्ट टाइम फॉरेन बायर सील गवर्नमेंट पहले से ही ले ली थी है रशिया से 2014 में, जब मॉस्को के अंदर ये मिसाइल सिस्टम हुआ था उसमें इसको ऐड कर ली थी और S-400 की डील कर ली थी। और अभी S-400 कहां पर है, उसकी राजधानी बीजिंग में, और तुर्की दूसरा देश था, तुर्की ने भी इसको लेने के लिए अपनी डील कंप्लीट कर ली थी, और उसमें अमेरिका ने तुर्की को क्या दी थी धमकी कि यदि आप रशिया से S-400 की डील करते हो तो आपको काट्सा तहत के तहत कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल जैसे हमको धमकी दी थी, अल्टीमेटली हमने भी ले ली। बट एशियन में आ जाए तो कौन कौन आ जाएंगे बेटा, चाइना एज वेल एज इंडिया, और इसका नाम क्या है S-400, लगने के पूरे चांसेस है। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इंटरपोल की तरफ। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में आया था कि इंटरपोल के जो मेन हेड है, जो चीफ है, वो एक महीने से गायब है, और अभी 10 दिनों से तो वो अपनी फैमिली के टच में नहीं थे, और अभी उनको चाइना में संडे के दिन पाया गया और जाते ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कुछ नहीं बोला। तो ये क्या केस था, इंटरपोल क्या है, जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, चलते हैं इसी को देखते हैं। अभी हाल ही के अंदर मिसिंग इंटरपोल चीफ रिजाइन एज इट इमर्जेस ही इज बींग हेल्ड इन चाइना। ये बंदा फ्रांस से चाइना पहुंच गया एक महीने के अंदर, और 10 दिन से अपने परिवार के, अपने एम्प्लॉयर के भी टच में नहीं था। यदि मैं बगैर बताए जाना घर है और SG से कहीं और चल जाऊं, SG वाले मुझे कांटेक्ट में करे और मैं कांटेक्ट में नहीं आऊं, पता चले लास्ट में मेरी पत्नी मुझे ढूंढे तब भी मैं नहीं मिलूं, और जहां मिलूं वहां मिलने के बाद सीधा कहता हूं मैं तो रिजाइन देना चाहता हूं, इट्स अ मिस्ट्री, कुछ ना कुछ तो है।
यानी ये उस समय हो रहा है जब आप एक डील कर रहे हो और उसी समय आपके डीआरडीओ के एक यंग साइंटिस्ट ने अभी कुछ दिनों पहले आपके ब्रह्मोस के डेटा चाइना को और आईएसआई पाकिस्तान को क्या कर दिए, लीक कर दिए। उसी समय आप कहां पे मिल रहे हो, चाइना, और थे कहां के, फ्रांस लियोन के। इनका हेड ऑफिस कहां पे, इंटरपोल का, फ्रांस लियोन का। तो ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है, देखते हैं इसको, देखते हैं। द मिसिंग इंटरपोल चीफ मिस्टर मैंग होंगवई, अपन को इसको नाम याद करना है, कैसे याद करना, मैन होंगवई याद नहीं करना, एम एन आ रहा ना, अरे इंटरपोल में कौन होता है, मैन, जो सनी लियोन को चाहता है, किसको चाहता है, सनी लियोन को, लियोन से क्या हो जाएगा, लियोन, और फिर फंस जाता है स्लैश मीटू में, किसमें फंस जाता है, स्लैश मीटू में, हो गया ना इजी। अरे इंटरपोल में कौन होते हैं, मैन, जो चाहते किसको है, सनी लियोनी को, और बाद में स्लैश मीटू में फंस जाते हैं, हो गया ना याद। फर्जी नंबर क्या है सर का, 7 सितंबर, फर्जी नंबर क्या है, 7 सितंबर 1923। पहले इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया था, और बाद में इसको कहां सिचुएट कर दिया गया बेटा, लियोन फ्रांस। अभी क्वेश्चन आता आपको लियोन ही करना है, किसको करना है, लियोन, यानी वो डायलॉग ले लेना भाई, डॉन को पूरे इंटरपोल की पुलिस ढूंढ रही है, तो सनी लियोनी को पूरे मेंस ढूंढ रहे हैं इंटरपोल के, और सनी लियोनी ने उनको स्लैश मीटू में क्या कर दिया, फंसा दिया। मैन से हो जाएगा बेटा आपका मैंग होंगवई, क्या हो जाएगा, मैंग होंगवई। देखते हैं क्या था ये केस। द मिसिंग इंटरपोल चीफ मिस्टर मैन होंगवई, वो इट वॉज रिवील्ड ऑन संडे, इस संडे की बात है, has been detained in China for 12 days, unknown of his family or employer, has resigned from the Interpol Policy Agency. Interpol said it had received his resignation with immediate effect. स्वीकार भी कर लिया उसका, late on Sunday. It was the latest twist in the mystery of Meng's disappearance the last month after he flew from France to China. The International Criminal Police Organization is called the Interpol. हेडक्वार्टर कहां बेटा, लियोन फ्रांस, और बना कब है, 7 सितंबर 1923, और कहां पे बना बेटा, वियना ऑस्ट्रिया। डाउट क्लियर है, क्लियर। चलते हैं प्राइवेट एजेंसी के सबसे बड़े बैंक, प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसकी एमडी सीईओ ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, चंदा जी कोचर। चंदा जी कोचर जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती है, आप सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली एमडी और सीईओ थी, 2007 से आप आपकी सेवाएं आईसीआईसीआई बैंक को दे रहे थे। अचानक आपकी जिंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि एक छोटी सी गलती ने आपको रिजाइन देने के लिए कर दिया, वो क्या केस था उसको देखते हैं। मैं क्विक रीड देखते हैं बेटा द लॉन्ग गुड बाय को, यह बात है फरवरी की, जब सीबीआई ने रजिस्टर करी थी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिगार्डिंग टू प्रूव द बिटवीन द दीपक कोचर एंड वीडियोकॉन चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल धूत, एक लोन सैंक्शन करा था वीडियोकॉन को, वेणुगोपाल धूत को, और उन्होंने उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया गीतांजलि नाम की एक कंपनी में, जिसके हेड कौन थे, मिस्टर दीपक कोचर, जो कि चंदा कोचर जी के कौन थे, पति। 5 मार्च के दिन एसएफआईओ इन्होंने एक समन्स करा किसको, आईसीआईसीआई बैंक को, चंदा कोचर को इसमें लिंक पाया गया कि चंदा कोचर ने उस लोन को बढ़ाने में अपनी रोल प्ले करा। 23 मई के दिन सेबी ने जो है सेंड करा एक शो कॉजेज नोटिस बैंक को, कोचर जी को, जिसमें पाया गया एलिगेशन ऑफ द वायलेटिंग लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर द रिक्वायरमेंट, उनको ये पाया गया कि आप लिप्त, तो आप मुझे कुछ सूचना चाहिए, तो आप उन सूचना को बताइए। 28 मई के दिन आईसीआईसीआई बैंक ने इश्यू करा एक स्टेटमेंट जिसमें रिस्पांस दिया कॉन्फिडेंस का, कि हमें हमारी एमडी सीईओ के ऊपर क्या है, विश्वास, उसके इंटीग्रिटी के ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा उन्होंने इंटीग्रिटी का एक रिस्पांस दिया किसको, चंदा जी कोचर को। मैडम अगले दिन यानी 29 मई के दिन आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड ने एक मीटिंग बुलाई मेजोरिटी के द्वारा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है बुलाने के लिए कहा कोचर जी को, और कोचर जी गो टू एन इनडेफिनेट लीव एज पर ए मिंट रिपोर्ट, एक लंबी छुट्टी के ऊपर चली गई। अगले दिन क्या हुआ, 30 मई को कोचर गोज ऑन इनडेफिनेट लीव और एब्सेंस टिल द कंप्लीशन ऑफ द फ्रेश इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इंस्टीट्यूट बाय द बोर्ड, बगैर किसी को बताए आप किसके ऊपर चल गए बेटा, छुट्टी पे, जब तक एक फ्रेश इंक्वायरी बोर्ड ना बना लिया जाए। 18 जून को आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड ने अपॉइंट करा एक सीईओ, और सीईओ करा बेटा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो सीईओ थे लाइफ इंश्योरेंस के मिस्टर संदीप जी बख्शी, उनको बैंक का सीओओ बना दिया, जिसको हम बोलते हैं चीफ ऑपरेशन
ऑफिसर, और 4 अक्टूबर के दिन कोचर जी ने जो है इस्तीफा दिया, और इस्तीफा बैंक और उसकी सभी सहायक कंपनियों से दे दिया, और फिर बख्शी सर को उनकी जगह टैक्स ओवर कर दिया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। डाउट क्लियर और नॉट? आपके क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली चंदा कोचर ने इस्तीफा दिया, चंदा कोचर किस बैंक की सीईओ और एमडी थी? आईसीआईसीआई। फिलहाल कौन है? संदीप बख्शी। याद करने का तरीका, साहब कोचर जी ने यदि गुनाह करा तो उसको बख्श दो, उसको बख्श।